केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान बीरेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। बजट को लेकर हरियाणा न्यूज के इनपुट हेड मुकेश मंडल से बीरेन्द्र सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए आप। लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट में क्या कुछ खास रहा इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र। सर, आज का जो बजट है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बजट में जो दो बड़ी घोषणाएं हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन दो बड़ी घोषणाएं हैं जिनको मैं ऐतिहासिक मानता हूं। एक तो आज किसान को सीधा आर्थिक उसको सबल बनाने के लिए उसको आर्थिक तौर पे मदद करने की जो हमारी सरकार की सोच है, ये अपने आप में अनोखी है। मैं ये समझता हूं इसके माध्यम से आधी आबादी देश की लाभान्वित हुई है और किसान को एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक नई सोच के साथ तोहफा दिया है। आज का जो बजट पेश हुआ किसानों के लिए बहुत कुछ उसमें है, क्या लगता है जो विरोधी जो जिस तरह से किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आज उनका मुंह बंद हो जाएगा? मोदी जी ने जो भी किया है उससे देश की आज के दिन में कहता हूं 75% 75% जनसंख्या को उन्होंने अपने इस अच्छे जो कदम उठाए हैं, और तो और जो देशभक्त हैं उनको भी आज लगा कि 3 लाख करोड़ का हमने रक्षा बजट पेश किया जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो जो देशभक्त हैं उनको भी इस बात का मान है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा अब और अच्छे तरीके से होगी, अच्छे हथियार हम लेके आएंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र। कैमरा पर्सन विनय बहुगुणा के साथ मुकेश।